नमस्कार दोस्तों, आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बालों का समय से पहले सफ़ेद होना, यानी कि समय से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो आप उनसे निपटने के लिए क्या आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा टाइम लेके मैं आपको बता दूं, ये जो नुस्खा है मैंने किसी इंटरनेट से नहीं लिया है, एक हिसाब से आप इसको डॉक्टर की टिप्स मान सकते हैं। क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बालों का झड़ना जो था उस पर अनुभवी उपचार था, जो कि मैंने एक स्त्रोत से लिया गया था, तो उस पर मेरे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर ये उपचार हम नहीं कर सकते हैं, ये हमसे नहीं हो रहा है, आप उसी स्त्रोत से कोई दूसरा वीडियो बना के दो। तो ये वही स्त्रोत है, एक हिसाब से डॉक्टर के लेख हैं, जो लेख कोई लोग यूज़ करते हैं बेकायदा, उनके एड्रेस के साथ उनका फ़ायदा जो हुआ होता है वो भी बताया जाता है। तो मैं वहीं से ये आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं कोई एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ जो कि मैं ये वीडियोस अपनी मन से बताता हूँ, वैसे मैं ये कहीं ना कहीं किसी स्त्रोत से ही लेता हूँ, और जो कि अच्छे सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो उनके ये नुस्खे होते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बताया है बालों के झड़ने के विषय में काफ़ी सारे नुस्खे दे रखे हैं, अलग अलग उपचार दे रखे हैं, और लोगों को जो फ़ायदा हुआ है वो भी दे रखा है। तो इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो आप घर पे आंवला का तेल कैसे बना सकते हैं अगर आपके झड़ते बाल हैं, आंवला से सिर कैसे धो सकते हैं आंवला का पानी से, वगैरह का भी दे रखा है। तो मैं आपको ये इसमें एक दे रखा है, बालों का समय से पहले सफ़ेद होना, उसका उपचार, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं बालों का समय से पहले सफ़ेद होना। एक चम्मच भर आंवला चूर्ण दो घूंट पानी के योग से सोते समय अंतिम वस्तु के रूप में ले। असमय बाल सफ़ेद होने और चेहरे की कांति नष्ट होने पर जादू सा असर करता है, साथ ही स्वर को मधुर और शुद्ध बनाता है तथा गले की घरघराहट भी इससे ठीक हो जाती है। दूसरा उपचार इसमें दे रखा है, सहायक उपचार, आंवला चूर्ण का लेप। सूखे आंवले के चूर्ण को पानी के साथ पेस्ट बनाकर इसका खोपड़ी पर लेप करने तथा 5-10 मिनट बाद केशों को जल से धो लेने से बाल सफ़ेद होने और गिरने बंद हो जाते हैं। सप्ताह में दो बार स्नान से पहले ये प्रयोग आवश्यकता अनुसार 3 मास तक करके देखें। ये दो उपचार इसमें दे रखे हैं बालों का समय से पहले सफ़ेद होना। दोस्तों ये नुस्खा दिखता आसान है लेकिन होता काफ़ी ताकतवर है। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का यहाँ से या फिर किसी इंटरनेट से लेके इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए, तो अगर आपको कुछ दिनों में उसका फ़ायदा नहीं होता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आयुर्वेद एक्चुअली जो डॉक्टर्स की पुस्तकें आती हैं उसमें सबसे पहले ही लिखा होता है कि भाई अगर ये आपको ठीक नहीं होता है, आपका इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो आप छोड़ सकते हैं, और एक समय में दो आयुर्वेदिक उपचार आप नहीं कर सकते, यानी कि आपको कोई दूसरा उपचार भी बताता है वो भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। एक समय में एक ही चीज़ होती है और अगर फ़ायदा नहीं होता है तो उसको छोड़ के आप दूसरा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस उपचार से आपको कुछ फ़ायदा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।